वेलकम बैक। तो आज मैंने पहनी हुई रेड कलर की साड़ी और आज मैं एक मेकअप लुक क्रिएट करने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल में ढेर सारा सामान निकाल दिया है। मैंने हाई पोनी बना के रखी है जिससे कि मेरे हेयर फेस पर ना आए, और अभी मेरे को एक रेड साड़ी का ये लुक क्रिएट करना है। तो मैं रेडी होने के बाद मैं आप सबको भी दिखाऊंगी, इसलिए मैंने व्लॉग को स्टार्ट कर लिया अभी से। और आज एक्चुअली एक पूजा भी है, तुलसी विवाह की पूजा, वो भी हम करेंगे, तो वो भी आज आपके साथ में शेयर करेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो। मैं पक्का नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। सो चलिए मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, तब तक कैमरे को करती हूँ बंद। सो टंटड़ा, मैं रेडी हूँ और ये देखिए मेरा लुक, फुल लुक कुछ इस तरीके से है, बाकी मैं आपको दिखा दूंगी। और मैं हो गई हूँ रेडी। सो मैंने आज पहना हुआ है ये वाला नेक पीस जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। बाय द वे मेरी नेल पेंट जो है छूट गई है, मैंने लगाई है प्योर रेड कलर की बिंदी और मांग टिका, और लगाया मैंने पहना हुआ है चूड़ा खूबसूरत सा। उसके अलावा मैंने पहने हुए है एयर रिंग्स, ये देखो ये, सो ये भी काफी ज्यादा प्यारे लग रहे हैं, है ना। इसका एक्चुअली सेट मेरे को बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है ना मेरा, ये देखो ये रेड रेड पूरा मैच कर रहा है, और इसी साड़ी के साथ का एक्चुअली ये सेट है। तो मैं इसको आपके साथ फर्स्ट टाइम शेयर कर रही हूँ, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसको न्यूली वेड्स भी ट्राई कर सकती हैं और काफी अच्छा लगेगा, ये काफी खूबसूरत सा मेकअप है। आप अपनी ज्वेलरीज वगैरह उतार दी है क्योंकि कुछ ज्यादा हैवी हो जाएगा मंदिर में जाने की वजह से, और फिर मैं दोबारा चेंज नहीं कर सकती क्योंकि मुझे जब ही जल्दी जाना है क्योंकि तुलसी विवाह स्टार्ट होने वाला है, इसलिए तो मैंने दोबारा सर पर पल्ला करा हुआ है, थोड़ा सा साड़ी को ठीक करा है, चूड़ा मैंने पहना हुआ है, बाकी जो भी ज्वेलरी वगैरह थी वो सारी मैंने उतार दी है। और मेरे हेयर ओपन है तो मैं सोच उसमें क्लचर लगा लूं। मैं रेडी हूँ तुलसी पूजा में जाने के लिए क्योंकि मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा। एक्चुअली माँ ऑलरेडी मंदिर में चली गई है और सारे कॉलोनी के लोग वगैरह भी सब आते हैं, दादी माँ भी हैं, सब लोग हैं, और मुझे नहीं तो लेट हो जाएगा। नहीं, मैं बहुत टाइम पहले गई हूँ आई थिंक मम्मा के साथ में कभी तुलसी विवाह देखने के लिए, बट अभी मैं काफी टाइम बाद जा रही हूँ तो देखते हैं जाकर मंदिर में। वैसे वहां पर मास्क वगैरह सब कुछ हला हुआ है, सो मैं मास्क देखती हूँ, मुझे मास्क का भी नहीं पता है कहाँ पड़ा हुआ मेरा मास्क, तो थोड़ती हूँ। उसके बाद में चलते हैं, आपको पूजा दिखाते हैं सारी। बाकी मेरा यहाँ पर इतना सारा सामान पड़ा हुआ है, फैला हुआ, पूरा रूम मैसी हो रखा है क्योंकि जब भी आप कुछ चीज की तैयारी करते हो, मेकअप लुक क्रिएट करते हो, कुछ भी, तो पूरा घर तहस नहस हो जाता है। पता है आप सबको जिस तरह से प्रॉपर शादी होती है ना, वैसे ही यहाँ पर तुलसी जी की शादी करवा रहे हैं और भोग वगैरह लगा के फेवरे भावरे वगैरह सारी विधि विधान से पूजा हो रही है। यहाँ पर आसपास के कॉलोनी की काफ़ी सारी लेडीज़ आई हुई हैं और सभी लोग बैठे हुए यहाँ पर भावरे पूज रहे हैं, तो यहाँ पर मैं भी पूजूंगी जो कि मैं आपको दिखाऊँगी आगे वीडियो में, आपको देखने के लिए मिलेगा। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, सो ये देखिए गाइस कैसा लग रहा है, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैंने फ़र्स्ट टाइम तुलसी माता की इस तरह से पूजा करी है शादी के बाद में, और कभी मेरे साथ में ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था, बट मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई ऐसा करने में। सबसे मैं पूछ रही थी कि मैं कैसे करूँ, उसके बाद में मैंने उनका आशीर्वाद दिया और उनको दक्षिणा चढ़ाई, पैसे चढ़ाए, फूल चढ़ाए और भोग वगैरह लगाया, जैसे भी दादी माम को बताती जा रही थी ना वैसे ही कर रहे थे। आ गई हूँ मंदिर में, हम थोड़ा एक्चुअली घूम रहे हैं, मास्क मैं अभी लगाई हुई थी, फिर मैंने थोड़ी देर के लिए हटा दी क्योंकि ऑलरेडी सब लोग मास्क लगा कर रखे हुए थे। और अभी चल रही है मंदिर में पैर पूजा है तुलसी जी की, उसके बाद में जो भी होता है वो हम आपको दिखाएंगे।
जा रहे हैं घर, तो चलिए चलते हैं। सो मैं आ गई हूँ घर पूजा करने के बाद। मैं वहाँ पर थोड़ी देर बैठी रही थी और आज हमने वहाँ पर देखा तुलसी विवाह। तुलसी विवाह एक्चुअली मैंने बचपन में देखा हुआ था, मुझे वैसे याद नहीं प्रॉपरली, पर आज मैंने पूरी तरीके से तुलसी विवाह देखा है। और मेरा प्राड़ो नीचे एक्चुअली घूम रहा था बाहर रोड में, मैंने कहा प्राड़ो आ जाओ ऊपर। और कैसी लग रही थी मैं, प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। आज मैंने एक लुक क्रिएट करा हुआ है एंड उन्हें व्लॉग पहले जाता है, लुक पहले जाता है, बट यस आप लोग को पसंद आया होगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, रेड रेड सा, मैंने काफी दिनों बाद ऐसा कुछ रेड रेड सा पूरा प्रॉपर पहना हुआ था। और हमारे मंदिर ये रहा पीछे, और जब मैं लौट कर आई तो ये चले गए थे ऑफिस, तो ये घर पर है नहीं, तो ये मैं मेकअप रिमूव करूंगी। तो चलिए मेकअप रिमूव करते हैं। देखो बहुत सारा मेकअप लगा के रखा था मैंने, मेकअप रिमूव करेंगे उसके। आप भी देखो प्रसाद कर ली। मैंने कहा बाहर से आए हैं तो घर की पूजा कर ही लेते हैं। और आज का जो गेटअप है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी मदर ने बोल रहे हैं कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो। सो यस, मुझे वैसे इसको चेंज करने का मन नहीं कर रहा है, बट मुझे वीडियो शूट करनी है। मेरे को लग रहा था कि मैं बालों को स्ट्रेट करूं या कर्ल्स करूं, फिर मैंने नहीं करा। एक्चुअली मैंने स्ट्रेटनर रखा तो मैंने हल्का सा स्ट्रेट करा आगे से, फिर मैंने कहा छोड़ो यार, ऑलरेडी अपने तो स्ट्रेट हैं बाल, तो जरूरत नहीं पड़ती है मुझे ऐसा कुछ करने की। जैसे मैं अपनी सिंपल सी बैंगल्स डाल ले रही हूँ, बैंगल्स सही रहती है। चूड़ा, मतलब चूड़ा यार एक ऐसी चीज है ना कि मतलब हर चीज में आपके काम आ जाते हैं। मतलब आप किसी भी साड़ी में इस चूड़े को पहन सकते हो, तो मैंने कहा यार रेड साड़ी से अच्छा क्या हो सकता है कि मैं रेड साड़ी में पहन लूं। चूड़ा बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है ना, तो आप पहन सकते हो, अच्छा लगता है। ये मेरी शादी का चूड़ा है, मैंने अपनी शादी के टाइम पे एक्चुअली ग्वालियर से ही लिया हुआ था मैंने। तो वैसे हमारा चूड़ा का चलन नहीं है, बट हाँ हमें शौक है, इसलिए हम पहनते हैं। पंजाबियों क्या होता है ना चूड़ा पहनना, तो मैंने ये बैंगल्स पहन ली है। उसके बाद में ना मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मेरा पूरा ड्रेसिंग टेबल खराब पड़ा हुआ है, तो मेरे को उसका सारा सामान वगैरह अरेंज करना है। और हाँ मुझे आपके साथ में शेयर करना है अपना साड़ी कलेक्शन। आई डोंट नो कि ये वीडियो पहले जाएगा, यस आई वीडियो ये पहले जाएगा क्योंकि ये व्लॉग है। उसके बाद में अपना साड़ी कलेक्शन भी शूट करने वाली हूँ, सोच रही हूँ आज ही कर दूंगी। और इनका वेट कर रही हूँ मैं कि ये आ जाए, तो फिर देखते हमें क्या बनाना है आज रात के डिनर में या क्या, क्योंकि अभी शाम का टाइम हो रहा है, शाम की पूजा थी, अंधेरा हो गया बाहर। तो अभी तो मैं अपना सारा रूम वगैरह अरेंज करूंगी, सामान वगैरह मैं नीचे रख देती हूँ। मैं मेकअप लुक क्रिएट कर रही थी, फिर मुझे बीच में भूख लगी तो मैं खा रही थी गजक, गजक मेरी फेवरेट, तो मैं यहीं पर इसका डिब्बा रखी हुई थी। तभी तो मैं बोल रही हूँ ना कि मेरा जो पूरा ड्रेसिंग टेबल है पूरा मैसी होके है, जो मेरा पूरा रूम है, मतलब कि हालत मेरी इतनी ज्यादा खराब है रूम की कि मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ रूम कितना ज्यादा। मैं काफी दिनों बाद सॉन्ग सुने हैं बढ़िया एकदम लाउड करके तेजी से। सर मैं जल्दी जल्दी से अरेंज कर लेती हूँ, जब मेकअप रिमूव करूंगी तब देखती हूँ मिलती हूँ। फिलहाल मुझे मिसेलर वाटर ढूंढना है। अरे वाह मुझे मिल गया मेरा मिसेलर वाटर। मैं सोच रही थी पता नहीं कहाँ हो गया, मुझे मिलेगा कि नहीं, तो मैं लगा लेती हूँ अभी हेयर बैंड और कॉटन बेड की हेल्प से हम अच्छी तरीके से क्लीन करेंगे अपना फेस, अपना जितना भी मेकअप है फेस पर, वो मैं ज्यादा तक लगा नहीं रहने दे सकती इसलिए, क्योंकि स्किन खराब हो जाती है। जैसे कि आपको पता है कि मैं कुछ भी फालतू की चीजें यूज नहीं करती हूँ, मतलब मेकअप वगैरह से मैं बहुत दूर होती हूँ। जब मेरे को वीडियोस वगैरह शूट करने होते हैं ना तभी मैं ऐसा कुछ लगाती हूँ, क्योंकि लुक्स वगैरह क्रिएट करने होते हैं इसलिए, और मेरी स्किन सेंसिटिव है, दैट्स व्हाई।
जब से आया तब से ऐसे ही रखा, क्योंकि मेकअप करती नहीं हूँ तो वो यूज में नहीं आता है। सबसे खतरनाक तो आई मेकअप होता है। एक्चुअली मैं लैशेस नहीं लगाती नहीं हूँ, नहीं तो वो और भी ज्यादा निकल के आता है मेकअप। बट हाँ, आज मैंने फाउंडेशन लगाया हुआ था, लुक भी आईज पे। आई शेड हो गया पूरा। मैं सोच रही लाइनर लगा रहे, पूरा नहीं रिमूव करना मेरे को। लाइनर लगा रहे। और हाँ, हम लिपस्टिक तो रिमूव कर ही सकते हैं ना। बहुत मतलब अच्छी वाली लिपस्टिक है। मैंने पता है कौन सी लिपस्टिक यूज करी थी? ये वाली, ये पर्पल की मैंने लिपस्टिक यूज करी थी। कमाल की लिपस्टिक, कलर बहुत अच्छा, ऑसम एकदम। और लिपस्टिक भी बहुत अच्छी है, मतलब छूटने का नाम नहीं ले रही बिल्कुल। देखो, प्योर मैट लिपस्टिक, आप खाना पानी कुछ भी खाओ पी लो आराम से। बिल्कुल लगाए हुए थे, 2 घंटे तो हो ही गए हैं। चलो बाकी मैं फेस को वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद में कर लिया मैंने फेस वॉश। और काफी ज्यादा क्लीन क्लीन और काफी लाइट फील एक्चुअली हो रहा है मुझे। जब भी आप मेकअप करो, फिर जब मेकअप उतारो ना, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो मैं भी क्लीन कर लिया फेस। और अभी मैं लगा रही हूँ मॉइस्चराइजर। पता है मैं आपको कौन सा मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ? आलमंड्स का, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज करता है ना आपकी स्किन को, तो मुझे बेहद पसंद है बहुत ज्यादा। तो रखा हुआ था मेरे पास, मैं एक्चुअली लास्ट ईयर का रखा हुआ था, तो वही मैं लगा रही हूँ। यार ये देखो कितना अच्छा ग्लो दे रहा है। एक्चुअली ग्लो क्या, स्किन को मॉइस्चराइज करता है। इधर मैं इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मेरा फुल मिरर है यहाँ पर, तो इसे देख मैं लगा रही हूँ। कई बार ना मेकअप लुक्स वगैरह मैं क्रिएट करती हूँ ना, तो मैं फोन से तो शूट करती हूँ, फिर मैं यहाँ देखती हूँ, तो लोग बोलते हैं कि आप शूट यहाँ कर रहे हो, देख पा रहे हो। सो मैं इसलिए देखती हूँ गाइस यहाँ पर। और अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करा है, मैं बहुत अच्छी अच्छी प्यारे प्यारे रील्स डाल रही हूँ, जो कि आज मैंने लोग क्रिएट करा था, तो शिवी लाइफ स्टाइल के नाम से आप मुझे फॉलो कर सकते हो वहां पर, मतलब टाइप करना शिवी लाइफ स्टाइल। सो आ जाएगा मेरा, मेरी ऐसे करके कुछ एक पिक्चर लगी हुई है प्रोफाइल में, सो चेक कर सकते हो आप ब्लू कलर के टॉप में। और हाँ जी, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब करा है, चेक कर लीजिएगा मैं नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर रहा है या नहीं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो पता है आपको मैं बिंदिया कहाँ लगा देती हूँ? ये आज मैंने छोटी सी बिंदी लगा ली एक्चुअली, ये देखो मेरे बोर्ड में। बिंदी दिख रही होगी ना आपको, तो मैं जैसे फेस वॉश करने जाती हूँ, अभी तो शूट कर रही हूँ, तो मैं अपनी बिंदिया निकाल निकाल के और यहाँ पर लगा देती हूँ। और भी जा रही हूँ मैं किचन में, देखते हैं क्या बनाना है, क्योंकि बहुत लेट हो गया। मेरा पूरा रूम मेस था ना, तो मैंने उसको पूरा क्लीन करा अच्छे तरीके से। और अभी मैंने नाइट सूट भी डाल लिया, क्योंकि यार जस्ट सोना है और इनका तो अभी कुछ पता नहीं कि कब आते हैं। मैं ना रूम का जो गेट है बस टाइम पे बंद कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक है डॉगी, तो वो आ जाती है। सो दरवाजे बंद करने पड़ते हैं, क्योंकि उसको खाना पीना खिलाते हैं ना, तो वो डायरेक्टली आ जाती है, अंदर घुस आती है रूम में, तो वो गंदा फिर कर देती है। ऑलरेडी हमारे इतने सारे डॉग्स हैं, तो चलिए चलते हैं किचन में। तो आज सबने काफी ज्यादा लेट खाना खाया था, तो माँ ने बोला कि आज आप मटर पुलाव बना लो। तो आज हमारे यहाँ आई थिंक फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा होगा कि ओनली मटर पुलाव बना है, वो भी सभी लोगों के लिए, सब यही खा लेंगे। नहीं तो अक्सर ऐसा होता है ज्यादा लोगों में, किसी को कुछ खाना है, किसी को कुछ खाना है, तो इसलिए। बट आज सब लोग यही खा रहे हैं, तो मैं भी थोड़ा सा लेकर बैठ गई खाने के लिए। वैसे बहुत अच्छा बना है। स्वेटर आ लेती हूँ, मेरे को खांसी फिर से नहीं तो होने लग जाएगी, क्योंकि आज मैंने पूरे दिन भर देखो स्वेटर ही नहीं पहना। वीडियो शूट करती रही, उसके बाद मैं मंदिर चली गई, मंदिर स्लॉट कराई, मेकअप वगैरह रिमूव करा, रूम क्लीन करा, उसके बाद मैं किचन चली गई। सो अभी अभी जस्ट किचन से आई। और यस, ऐसे हमारे यहाँ इसको तहरी बोलते हैं, पर यहाँ पर इसको मटर पुलाव पुलाव बोलते हैं। यहाँ पर तहरी कोई जानती नहीं है, बट हमारे यूपी साइड में तहरी बोलते हैं, क्योंकि मैं यूपी की हूँ इसलिए। अभी रात के 12 बज रहे हैं और हम लोग कहीं गए थे बाहर, और मैं शूट नहीं, सॉरी, मैंने शूट करा हुआ था, जो कि आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। तो मैंने सोचा इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ, और रात में मैं एक साथ अभी कहाँ होकर आ रही हूँ, जो कि आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि उसका व्लॉग मैंने अलग बनाया, क्योंकि ये व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है और ये मेरे बगल में सो रहे हैं। बट फिर मैं लाइट ऑन करके मैंने कहा कि चलो मैं वीडियो एंड कर रही हूँ,
और फिर ब्लॉग आपके लिए कल सुबह पब्लिश करना है। सो आई होप आपको पसंद आया होगा गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो को वेट जरूर करिएगा और देखिएगा हम कहाँ गए थे आधी रात में। बाय गाइस।